वेलकम टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 6। हमें लेक्चर नंबर 6 में पढ़ना क्या है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है मैटर के स्टेट पे, ये हमें देखना है। पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैटर का जो स्टेट है उसे हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो बाई चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को या तो इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके मैटर का जो स्टेट है उसमें हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं, यानी बदलाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाई चेंजिंग द प्रेशर। हम लोग प्रेशर इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके मैटर का जो स्टेट है उसमें हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जिक्र किया था। इस वीडियो में हम लोगों को देखना है कि मैटर का जो स्टेट है अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो क्या क्या बदलाव होता है, यही हमें देखना है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग फ्रिज से बर्फ़ निकालते हैं एंड जो बर्फ़ होता है वो जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लिक्विड को जब हम लोग बॉयल करते हैं यानी हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि जब हम लोग सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड जब हम लोग लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे सॉलिड यानी हम लोग आइस को लिए थे, आइस को जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आइस जो है जब हम लोग रूम टेम्परेचर पर रखे यानी जब इसे हीट मिला तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड जब हम लोग वाटर को बॉइल करते हैं यानी हीट करते हैं तो ये वेपर या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि जब आइस को हम लोग रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं यानी हीट दे रहे हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर को जब हम बॉइल कर रहे हैं यानी हीट कर रहे हैं तो ये वेपर या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, या जब हम लोग गैस को कूल करेंगे, जब हम लोग गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में भोजन पकता है एंड जब भोजन को गर्म खाना को जब हम लोग ढक देते हैं एंड कुछ देर बाद उसे जब उसका ढक्कन उठाते हैं तो वहाँ से वाटर निकलता है, वेपर के फॉर्म में था लेकिन जब वो कूल हुआ यानी ठंडा हुआ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, जब गैस को हम लोग कूल कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जब लिक्विड को हम लोग कूल करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही हमारा फ्लो चार्ट है। क्या है कि जब सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एंड लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस को जब हम लोग कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एंड जब लिक्विड को हम लोग कूल करेंगे यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग वाटर को यानी जो पानी होता है जब हम लोग उसे फ्रीजर में रखते हैं यानी फ्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि लिक्विड को जब हम लोग कूल कर रहे हैं यानी ठंडा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ चेंज है क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पिछला जो पढ़े हैं फ्लो चार्ट उसी का एडवांस वर्जन है। क्या है कि जब हम लोग सॉलिड को हीट कर रहे हैं, सॉलिड को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। ठीक है, एंड जब हम लिक्विड को हीट करते हैं ठीक है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। ठीक है, जब हम लोग सॉलिड को हीट किए यानी जब हम एनर्जी दे रहे हैं यानी टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड जब लिक्विड को हम लोग हीट कर रहे हैं तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है यानी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेपराइजेशन या फिर बॉयलिंग। ठीक है, एंड जब सॉलिड जो है जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम लोग मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोल रहे हैं, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है इसे हम लोग बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन बोल रहे हैं, एंड जब सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है यानी लिक्विड फेज में वो नहीं आ रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्लिमेशन बोल रहे हैं। एंड ये तो हुआ जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करें यानी हीट दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एंड जब हम लोग टेम्परेचर को कम करेंगे यानी
कूल करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग गैस को कूल करेंगे, जब हम लोग गैस को कूल कर रहे हैं तो कंडेंसेशन होता है, यानी गैस को जब हम लोग कूल करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एंड इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। एंड जब हम लोग लिक्विड को कूल करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को कूल करके जब हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। एंड जब गैस गैस को जब हम लोग कूल करते हैं तो ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन, सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो टॉपिक है फ्यूजन, मेल्टिंग, वेपोरेशन, बॉयलिंग, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, ये सब क्या है, ये यही सब को हम लोग को देखना है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। जब हम लोग हीट देते हैं, जब सॉलिड को हम लोग हीट करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एट फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। वैसा प्रोसेस जिसमें जब सॉलिड को हीट किया जाता है फिक्स टेम्परेचर पे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। वैसा प्रोसेस जिसमें जब सॉलिड को फिक्स टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ गैस एट स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को और दूसरे भाषा में डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है, यानी जिस पॉइंट पे सॉलिड जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी आइस जो है वो पिघलना कब स्टार्ट करता है, अगर टेम्परेचर 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस टेम्परेचर पे जो आइस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का, वो ये बताता है कि किसी भी सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना मजबूती से बंधा हुआ है, यानी अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, एंड अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम रहेगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट जैसे वाटर का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, यानी ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा बहुत दूर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ वीक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया, अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी मैटर्स का जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रांगली बाइंड करके रखेंगे, एंड अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है बॉयलिंग या फिर वेपोराइजेशन। बॉयलिंग क्या होता है, बॉयलिंग का मतलब होता है रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ एनी लिक्विड। लिक्विड का वेपर फॉर्म में बदलना ही क्या कहलाता है, बॉयलिंग कहलाता है। लिक्विड जब वेपर फॉर्म में यानी वाष्प के फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलिंग बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू गैस या वेपर बाय हीटिंग एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बॉयलिंग या फिर वेपोराइजेशन। वैसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वेपर फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन या फिर बॉयलिंग। वैसा प्रोसेस जिसमें जब लिक्विड को हीट किया जाता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में यानी गैसेस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉयलिंग या फिर वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्या है,
मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कन्वर्ट्स इंटू गैस या वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में बदलना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में बदलना स्टार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है, यहाँ तो आप लोग समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्या है, लिक्विफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड बाई कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब हम लोग गैस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग खाना को बनाते हैं एंड जब गर्म खाना को ढक देते हैं एंड कुछ देर बाद जब हम ढक्कन को उठाते हैं तो वहाँ से जो वेपर होता है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। गैस जो था वो हीट के फॉर्म, यानी गैस जो था वहाँ टेम्परेचर था यानी गर्म था, जब वो कूल हुआ, वेपर जो था वो कूल हुआ तो वो क्या में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। जब हम लोग गैस को कूल कर रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तो आप लोग समझ में आया। कंडेंसेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग। कंडेंसेशन जो होता है वो बॉइलिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ तो आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, तो ये देखिए, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस फेज एंड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड फेज में आए ही। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड फेज में नहीं आता है। ठीक है, लिक्विड फेज में नहीं आता है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। वैसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड फेज में ना आकर डायरेक्टली गैस फेज में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग पूजा के टाइम कपूर जलाते हैं, जब कपूर को जलाते हैं, कपूर हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, कपूर को जलाते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड फेज में नहीं आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। ऐसे और भी सब्सटेंस है जैसे आयोडीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, फेनोक्थिलीन, ड्राई आइस, ये सब क्या है, सब्लिमेशन होने वाले पदार्थ हैं। यानी ये सब जो है इसमें क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड फेज में नहीं आते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन ये क्या होता है, तो समझिए, फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेज टू सॉलिड बाय कूलिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिसमें जब लिक्विड को कूल किया जाता है वो तो डायरेक्टली सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, तो जब हम लिक्विड को कूल करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी लिक्विड से सॉलिड फेज में चेंज करना ही क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम्स अ सॉलिड कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है वो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर फॉरेनहाइट में हम कितना बोल सकते हैं, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। अब हम लोग अगला वीडियो में लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।